हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक सिंपल रेजिन क्लॉक। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए क्लॉक बेस, रेजिन, माइका पाउडर या पिगमेंट, नंबर्स एंड हैंड्स एंड कुछ डेकोरेटिव स्टोन्स। इसे स्टार्ट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ओइत्रा के रेजिन। ये मुझे इनका फ्लो और कंसिस्टेंसी काफ़ी पसंद है, तो इसे हम 2:1 के रेशो में मिलाएंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें ये क्लॉक एक शेडेड वे में बनानी है। इसके लिए हम इसमें एक्रिलिक वाइट कलर मिला रहे हैं बेस के लिए। इसे हम कोई भी शेड दे सकते हैं। मैं माइका पाउडर यूज़ करूँगी और हम अंदर से बाहर की तरफ जाते समय डार्क होते करते जाएंगे। सो फर्स्ट कोट जो है हमारा वो वाइट रेजिन का होगा, लाइक दिस, एंड वील ट्राई एंड मिक्स इट विथ अदर कलर्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। आई एम यूजिंग दिस रोज पिंक माइका पाउडर फ्रॉम इट्सी बिट्सी। इसे हम क्लियर रेजिन में मिक्स करेंगे। इनिशियली हम थोड़ा कलर डालेंगे ताकि हमें एक लाइट शेड मिले फर्स्ट लेयर के लिए। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हम पोर करेंगे जस्ट आउटसाइड द वाइट रेजिन। इसे अच्छे से पोर करके हम इसे वुडन स्टिक की हेल्प से यहाँ पे स्प्रेड कर रहे हैं। पूरा इसे इवनली स्प्रेड हो जाने के बाद हम नेक्स्ट लेयर करेंगे। रेजिन इज अ लॉट फन टू वर्क विथ। इसे सूखने में टाइम बहुत लगता है और ये लुक बहुत प्यारा देता है, तो हमें बहुत आराम से और धीरे धीरे इसे करना है। अब आई एम मिक्सिंग मोर माइका पाउडर टू मेक अ डार्कर शेड। ये डार्कर शेड हम आउटसाइड में लगा रहे हैं। पूरा इसका बाउंड्री हम डार्क शेड से बनाएंगे। एक बार ये तीनों लेयर्स कंप्लीट हो गए तो हम इसे ड्राई होने का वेट नहीं करेंगे, हम इसे गीले में ही डेकोरेट करेंगे। उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं डेकोरेटिव स्टोन्स। दीज आर सिंपल वाइट स्टोन्स। आप इसकी जगह यहाँ पे पर्ल्स या ग्लिटर पाउडर या फिर कोई भी आपके पास डेकोरेटिव मटेरियल हो, मिरर्स हों या कुछ और ब्रोकन सीडी के पीसेज हों, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू यूज़ स्टोन्स हियर। ये स्टोन्स हम अच्छे से लेयर करेंगे पूरे बाउंड्री में। उसके बाद हम एक और लेयर ऑफ रेजिन इसके ऊपर पोर करेंगे ताकि ये अच्छे से स्टिक भी हो जाए और एक लिटिल डार्क शेड ऑफ पिंक जो हम चाह रहे हैं वो इसमें मिल जाए। कुछ इस तरह से हमने पोर किया। ये पूरा सूखने के बाद बहुत प्रिटी लुक देता है। हमारा डेकोरेशन ख़त्म होने के बाद इसके ऊपर हम नंबर्स स्टिक करेंगे। ये भी हमें गीले रेजिन के ऊपर ही करना है। मुझे पिंक एंड गोल्ड का कॉम्बिनेशन चाहिए था, इसके लिए मैंने रोमन न्यूमरल्स इन गोल्ड यूज़ किए हैं। आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन मिक्स एंड मैच करके बहुत सुंदर सा क्लॉक बना सकते हैं। ये पूरे नंबर्स लगने के बाद हमने इसे ड्राई होने दिया है। इट टेक्स ऑलमोस्ट 24 आवर्स टू ड्राई कम्प्लीटली। ये ड्राई होने के बाद ये देखिए कितना प्रिटी लुक आ रहा है। हमारा पिंक कलर थोड़ा सा फेड आउट हो गया है,
इट वॉज़ अ मिस्टेक प्रॉबली कि मुझे बीच में और थोड़ा सा पिंक मिक्स करना चाहिए था. थोड़ा फेड आउट हुआ है. आई विल ट्राई टू मेक इट बेटर नेक्स्ट टाइम. इसके बाद ये ड्राई हो चुका है तो हम इसमें क्लॉक की मशीन और ये हैंड्स ये फिक्स करेंगे और इसे एक वर्किंग कंडीशन की क्लॉक बना देंगे. एंड दिस इज़ हाउ आर कम्प्लीट रेजिन क्लॉक लुक्स लाइक. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स फॉर मोर वीडियोज़. थैंक यू.